रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। कभी बुलंदियों पर पहुंचे थे ये एक्टर, आज हालत हो गई ऐसी, दौलत और शोहरत सब किस्मत की खेल है। जब यह चमकती है तो बुलंदियों पर पहुंचा देती है, और जब किस्मत आपकी परीक्षा लेती है तो ना जाने कैसे दिन दिखा देती है। आज हम बात करेंगे उन फिल्मी सितारों की जिन्होंने अपने करियर में खूब कामयाबी हासिल की, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इनको गरीबी और गुमनामी के दौर से गुजरना पड़ा। परवीन बॉबी परवीन 90 के दशक की बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिन्हें उनकी ग्लैमरस भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। परवीन ने नमक हलाल, दीवार, अमर अकबर, एंथनी और शान जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड पर राज करने के बावजूद वे अकेलापन से पीड़ित थी। वह अपने जुहू अपार्टमेंट में अकेली मर गई जो अंदर से बंद थी। तब तक उन्हें फिल्म उद्योग द्वारा पागल घोषित किया गया था। मिताली शर्मा 26 साल की अभिनेत्री है। वह एक अभिनेत्री बनने के लिए अपने माता पिता के खिलाफ गई। मिताली ने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन समय के साथ प्रस्ताव आने बंद हो गए। मुंबई पुलिस ने उसे लोगों की कार खिड़कियों को तोड़ते हुए देखा। जब एक महिला कांस्टेबल ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे भी धक्का दिया। जब पुलिस ने उसे पहली बार पकड़ा तो उसने खाना खाया। उसने अपने जीवन के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया है। बाद में वे एक मानसिक शरण में स्थानांतरित हो गई। राजकिरण 90 के दशक के मशहूर एक्टर थे। उन्होंने अपना एक्टिंग करियर साल 1970 में शुरू किया था। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया जैसे कि कर्ज, मान अभिमान, बसेरा आदि। काफी समय बाद वे ऋषि कपूर को वे एटलांटा के मेंटल हॉस्पिटल में पाया था।